अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक गांव में आई हूँ। मेरी यहाँ पे सिस्टर का गांव है, तो उनकी एक ना फोतकी हुई थी, तो हम उस पर ना आए थे, हम देखने आए हैं। और ये घर है, इस घर में हम आए हैं। तो ये इस गाड़ी से हम नीचे चले, इनका गांव है। ये देखो, ये सारा ये पुठार का इलाका है। इधर ना मूँगफली आजकल इधर लोगों में ना ये देखो, ये सारा ये पठार का इलाका है। इधर सारा ये इस आपके मौसम में ना सर्दियों में ये इन्होंने गंदम लगाई हुई है। ये सारा इधर इस तरह इन लोगों ने अपनी ज़मीनों में ना ये बनाए होते हैं कब्रिस्तान। ये देखो, ये सारा खाली इलाका, ये सारी ज़मीन इन लोगों की अपनी है। पता नहीं कि क्यों नहीं है, किसी कार में काम में लाते ही नहीं ये लोग। किस तरह इनकी ज़मीन है जो इन इस तरह फारग पड़ी हुई है। तो इतनी बड़ी ज़मीन है और इन्होंने अपना कब्रिस्तान बना लिया। ये देखो, इधर गाड़ियाँ कम हैं। और ये जो है ना, ये ट्रैक्टर, ये देखो, ये इस तरह के ना इनकी रोडों पे कच्ची थोड़ी बहुत सड़क होती है ना, उस पर ज़्यादातर ये ट्रैक्टर वाले जो लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा चलते हैं। ये देखो, इनकी जो बकरियाँ ये रहती हैं ज़मीनों में, इसी तरह ही फिरती रहती है। वो देखो इधर ना तमाम लोगों ने, ये देखो इधर सारा कुछ, ये आ गए अब दो दो ट्रैक्टर आ गए। इस तरफ ज़्यादा लोग जो है ना, इसी तरह की चीज़ें जो आती हैं। इधर रुझान ज़्यादा है ना, अब ये नज़र आ रहे हैं ये भी। और वो देखो, और ट्रैक्टर भी इसी तरह, और ट्रैक्टर भी इसी तरह। इनके दरख्त जो है पुराने पुराने, पता नहीं कहते हैं कि 50-60 साल पुराने दरख्त रखे हुए लोगों ने। घर भी दूर दूर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। तो इस तरह का अब मैं आपको ना इनके कब्रिस्तान में लेके जा रही हूँ। इनके कब्रिस्तान में इनके रस्म और रिवाज दिखाती हूँ आप लोगों को। ये एक बंदे को मरे हुए ना 40 दिन हो गए हैं अब उनकी ना है? अच्छा चलो, आप इधर ये Bye.